प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर में। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रकाश के किरणों के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत टॉपिक जानेंगे। और उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि जैसे पानी से बर्फ में और बर्फ को पानी में बदल दे तो यह एक उत्क्रमणीयता हो जाता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे H2+I2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2HI, यानी ये जैसे आपने पढ़ा था H2+I2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2HI, यानी H2 और I2 जब टूटता है तो यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु मिलते हैं और ये जब टूटते हैं तो ये, तो इस प्रकार जो है क्रिया चलती रहती है। जैसे पानी को बर्फ में और बर्फ को पानी में बदल सकते हैं तो वही जो घटना होती है उत्क्रमणीयता की घटना होती है। लेकिन प्यारे बच्चों उत्क्रमणीयता का जो मतलब है वो प्रकाश में कैसे आ गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश किरण जिस मार्ग से ले जाया जाता है उसी मार्ग से उसे वापस लाया जा सकता है। तो अगर आप वायु से कांच में ले जा रहे हैं तो उसी माध्यम में उसी रूट में हम कांच से वायु में प्रकाश की किरणों को ले आ सकते हैं। यानी अगर हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम में दूसरे नियम से बात करें, द्वितीय नियम या स्नेल का नियम मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, तो वहां पे मैंने स्नेल का नियम बताया था प्यारे बच्चों, किन्हीं दो माध्यमों तथा किसी निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है। यानी साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, अब स्थिरांक में यहां पर आप देख रहे हैं ये जो वायु है इसको हम पहला माध्यम लेते हैं और कांच को दूसरा माध्यम, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो पी क्यू किरण है ये आपतित किरण है इंसिडेंट रेज है और क्यू आर किरण अपवर्तित किरण है रिफ्रैक्टेड रेज है। आपतित किरण हवा में है और अपवर्तित किरण कांच में है और ये प्रकाश की किरण वायु से चलकर कांच में प्रवेश कर रही है, यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो इसमें अपवर्तन की घटना घट रही है, यानी जो अपवर्तनांक होगा वो स्मॉल n हो जाएगा। तो स्नेल के नियम में 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये हो जाएगा समीकरण एक। अब प्यारे बच्चों अभी हमने कहा उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से प्रकाश की किरण को जिस मार्ग से ले जाया जाता है
उसी मार्ग से उसे वापस भी लाया जा सकता है। तो अभी तो मैंने प्रकाश की किरण को वायु से कांच में प्रवेश कराया, अब हम लोग कांच से वायु में प्रवेश करा रहे हैं। तो पुनः स्नेल के नियम से या लिख देते हैं इसी प्रकार स्नेल के नियम से। तो यहां पर आप देख रहे हैं जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी तो पहले ये किरण होगा कांच में से वायु में जा रहा है, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला कोण होगा वो R होगा, यानी I के स्थान पे R रखेंगे और R के स्थान पे I रखेंगे। तो इसमें देखिए जहां पर आई है वहां पे आर रखेंगे और जहां पर आर है वहां पर आई रखेंगे, तो 2N1 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी किरण है प्यारे बच्चों वह दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, यानी कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। इसलिए हम लोग R को ऊपर रखे हैं, I को नीचे रखे हैं और दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब देखिए प्यारे बच्चों समीकरण एक और दो का मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण एक गुणिते दो, तो जब आप एक और दो का गुणा करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट का गुणा कर दीजिए राइट राइट का, तो यहां पर मिल जाएगा साइन आई अपान साइन आर, इसमें इसका गुणा करेंगे इनटू साइन आर अपान साइन आई इज इक्वल टू, लेफ्ट लेफ्ट में गुणा करेंगे राइट राइट में गुणा करेंगे 1N2 × 2N1 1N2 × 2N1। आप देख रहे हैं साइन आई से साइन आई, आई कैंसिल साइन आर से साइन आर, तो ये कटेगा तो 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1N2 × 2N1। तो यहां पे हमें एक फार्मूला मिल जाएगा इस तरीके से, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1N2 × 2N1 = 1। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगर हम लोग ये 2N1 1N2 के बगल में गुणा में है, तो यहां से अगर हम 1N2 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये चीज भाग में चला जाएगा, तो यहां लिखेंगे 1N2 = 1/2N1, यानी इस चीज को ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहां पर इसमें मैंने पहले माध्यम में वायु लिया है, दूसरे माध्यम में कांच, तो जहां पर 1 है वहां पर स्मॉल a लिखेंगे, क्योंकि 1 पहले माध्यम में एयर है और दूसरे माध्यम में ग्लास है। तो यहां पर हम लोग लिखें यदि पहला माध्यम एयर तथा दूसरा माध्यम ग्लास
ग्लास हो तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने कहा यदि पहला माध्यम एयर तथा दूसरा माध्यम ग्लास हो तो इस स्थिति में जहां पर वन है वहां पर स्मॉल ए रख देंगे, जहां पर टू है वहां पर स्मॉल जी रख देंगे। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, इसमें वन के स्थान पर ए, टू के स्थान पर जी, वन अपान जी एन ए, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये क्वेश्चनों को हल करने के लिए फार्मूले हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम तीन माध्यम ले लें, यानी पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल और तीसरा माध्यम कांच हो, जैसे देखिए यदि पहला माध्यम वायु यानी एयर कामा दूसरा माध्यम वाटर तथा तीसरा माध्यम ग्लास हो तो स्नाइल के नियम से। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक साइकिल क्रम में करेंगे, चक्रीय क्रम में। जैसे हम पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल और तीसरा माध्यम कांच लें, तो इस तरीके से अब इसमें देखिए मैंने इसको किस लिए बनाया है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी वन एन टू, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी टू एन वन, फिर तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी थ्री वन एन, तो इस चीज को हम लोग, और यहां पर हम क्या लेंगे एयर, यहां पर वाटर, यहां पर ग्लास। तो अगर हम ऐसे पहले लिखे वन एन टू इंटू वन एन टू, फिर टू एन थ्री, टू एन थ्री इंटू थ्री एन वन, थ्री एन वन बराबर वन, यानी इस फार्मूले से हम लोग तीन माध्यम ले तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग तीन ही माध्यम लें, प्यारे बच्चों चार भी माध्यम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
तो इस चीज को हम लोग ऐसे कर लेंगे, यानी जरूरत पड़ने पर इस फार्मूले को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5। अब इसमें पहला माध्यम मैंने एयर लिया था तो AnW, दूसरा माध्यम W, तीसरा माध्यम ग्लास, फिर GnA=1। यानी एक फार्मूला यहाँ पे ये भी प्राप्त हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो WnG=2, तो ये दोनों भाग में चले जाएंगे, यानी 1/AnW×GnA। अब आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि 1/GnA बराबर होता है AnG, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि 1/GnA=AnG, 1/ के स्थान पे जब इसको रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WnG=2 AnG/AnW। आप एक चीज देख रहे हैं कि WnG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, यहां पर जल के सापेक्ष कांच है और इस तरफ वायु आ गया है अलग से, यानी इधर वायु नहीं है, दाहिने वाले फार्मूले में वायु आ गया है। यानी कोई वस्तु जब आप रखते हैं तो उसको हवा में तो ही रखते हैं, जल में भी, जल भी रखेंगे तो भी हवा में रखेंगे, कांच में भी रखेंगे, कांच को भी रखेंगे तो भी हवा में रखेंगे। यानी कोई वस्तु आपको रखना है तो वो हवा में ही रखना है, इसलिए कहीं कहीं विशेष परिस्थितियों में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसे आप किस माध्यम में रखते हैं। अगर ये चीज नहीं दिखा दिया है तो एक चीज हमेशा ध्यान देना प्यारे बच्चों, वो वायु में जरूर रहेगा, वस्तु को वायु में ही रखते हैं, अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन ना दिया हो कि ये वस्तु किस माध्यम में रखा है, किस मीडियम में रखा है, तो आपको हमेशा यहाँ पर A का प्रयोग करना है। मान लीजिए किसी के सापेक्ष ना हो तो उसे हम निरपेक्ष कहेंगे, यानी ये फार्मूला हमारा यहाँ पे बन जाएगा 7 नंबर। तो जो WnG है उसे हम जहां में कहेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, AnG रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो वायु कांच के सापेक्ष, सॉरी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसे आप जहां में करके लिख लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके अगला वाला पॉइंट है, जैसे हम लिख दें इसी प्रकार में ऐसे लिख दे 1n2=2, तो इसे लिख सकते हैं n2/n1, यानी जहां n2 क्या है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी ये किसी के सापेक्ष नहीं है। जैसे अभी आपने क्या लिखा था WnG, तो AnG/AnW मिला था,
और बाय द वे हम ए ना रख के ऐसे लिखे तो एन जी अपान एन डब्ल्यू, यानी ये किसके सापेक्ष, अगर ए हटा देते हैं तो ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये किसी के सापेक्ष नहीं है। तो अगर इस फार्मूले को हम ले लें तो ये कह रहा है कि अगर इस तरीके को ऐसे बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। एक ये भी फार्मूला है उसे, जहां में एन टू क्या है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और ये क्या है एन वन पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले को भी जान सकते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब हम लोग इसके अगले पॉइंट को देखते हैं, यानी उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में ही है अपवर्तन का कारण, अपवर्तन की घटना कब घटेगी। अपवर्तन की घटना प्यारे बच्चों तभी घटेगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किरण की चाल बदल जाती है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना घटती है। यानी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी और जाने से पहले उसमें 8 गुण घटते हैं, जिसमें 6 गुण बदल जाते हैं और 2 गुण नहीं बदलते। यहाँ देखिए आवृत्ति रंग ये 2 नहीं बदलेंगे, बाकी चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, आयाम बदल जाएगा, ऊर्जा बदल जाएगी, तीव्रता बदल जाएगी, कला बदल जाएगी, यानी ये सब बदल जाते हैं। अगर चाल बदली तभी आई और आर बदलेंगे, आई और आर बदलेंगे। अगर आई और आर नहीं बदले तो अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी प्यारे बच्चों। तो जो मुख्य कारण है वो चाल के बदलने के कारण अपवर्तन की घटना घटती है। अब देखिए इसमें तो मैंने कहा अगर चाल नहीं बदलेगा तो अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी, क्योंकि चाल अगर नहीं बदला तो आई और आर के मान सेम रहेंगे और जब सेम रहेंगे तो अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी। हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस ने एक सूत्र दिया था साइन आई अपान साइन आर बराबर वी वन अपान वी टू बराबर लैम्डा वन अपान लैम्डा टू इज इक्वल टू वन एन टू। यानी जो किरण है वो वायु से कांच में, यानी वी वन क्या है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, वी टू क्या है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ पे हमने ले लिया लैम्डा वन। लैम्डा वन क्या है पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर इसको हम छोड़ के अगर बात करें तो साइन आई अपान साइन आर बराबर वी वन अपान वी टू, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसमें हम 2 केस लेकर चलेंगे कि अगर हमारी प्रकाश की किरण की जो चाल है, यानी यदि जैसे ले लें केस फर्स्ट, यदि वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू हो तो आप देखेंगे वी वन वी टू के बराबर नहीं होगा
तो साइन आई साइन आर के भी बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये जो एंगल आर है एंगल आई के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। और इस स्थिति में कोण आई और इस स्थिति में अपवर्तन की घटना घटेगी। लेकिन अगर हम केस टू ले V1 बराबर V2 हो तो साइन आई बराबर साइन आर और ये हो जाएगा एंगल आई बराबर एंगल आर। इस स्थिति में प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी क्योंकि जब आई और आर बराबर हो गए V1 और V2 जब बराबर हो गया तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं गई है क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी चाल बदल जाती है। वही दर्पण में अगर हम कोई प्रकाश की किरण आपतित करते थे तो उसमें चाल तरंग दैर्ध्य आवृत्ति रंग ये चार चीज तो नहीं बदलते थे केवल आयाम ऊर्जा तीव्रता कला बदल जाती थी। लेकिन यहां पे चाल अगर बदल गया यानी V1 इज नॉट इक्वल टू V2 तो समझ लीजिए प्यारे बच्चों अपवर्तन की घटना निश्चित है। अगर बराबर हो जाएगा तो अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी। अब इसके अगले वाले पॉइंट की बात करें तो जैसे हम फार्मूला ले अभी मैंने एक फार्मूला बताया था आपको स्नेल के नियम से साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2 ये इक्वेशन नंबर सेकेंड समीकरण एक और दो का लेफ्ट लेफ्ट साइड बराबर है यानी बाई फर्स्ट एंड सेकेंड तो ये हो जाएगा 1n2 इज इक्वल टू V1 अपान V2। यहां पर एक फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि वायु से चलेगा या फिर निर्वात से चलेगा प्रकाश की किरण। जैसे जो सूर्य है वो पृथ्वी से 14,96,00,000 किलोमीटर पर है एग्जैक्टली में लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर। क्या हर जगह जब सूर्य की किरणें चले 15 करोड़ किलोमीटर दूरी से तो क्या हर जगह वायु ही है? तो ऐसा कहेंगे कि मान लीजिए ये जो किरण है प्रकाश किरण पहले माध्यम से चली तो पहला माध्यम वायु से चलेगा या निर्वात से चलेगा यानी V1 बराबर लिख देंगे और वो दूसरा माध्यम लिख लेते हैं कि कोई माध्यम ले लेंगे तो V1 जहां V1 बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और V2 किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हम मान लेते हैं यहां पे V और यहां पर C तो V1 के स्थान पे C रख देंगे V2 के स्थान पर V
तो यहां पर एक फार्मूला मिल जाएगा वन एन टू बराबर सी अपान वी। तो ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी हमारी प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू हवा होगा या निर्वात में होगा, यानी किरण पहले हवा से चलेगी या निर्वात में, निर्वात से चलेगी और वो किस में जाएगी, किसी माध्यम में जा सकती है या कांच में भी जा सकती है या फिर किसी द्रव में जा सकती है, तो नीचे इसीलिए मैंने लिख दिया किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी अपवर्तनांक बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। दूसरी चीज, अब इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा।